लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट मिशन को बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार बनी तो 7 निश्चय योजना में हुई धांधली और अन्य योजनाओं में घोटाला करने वाले सभी छोटे अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी दोषियों को जेल भेजेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए बिहार की जनता बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के साथ और उनका आशीर्वाद चाहिए। आपको बता दें, ये बयान चिराग पासवान ने मध्यपुरा जिला के चौसा प्रखंड में बुधवार को चौसा स्थित जनता उच्च विद्यालय के मैदान में आलमनगर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार सुनीला देवी के पक्ष में आयोजित जनसभा में बोला। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि चुनाव के बाद बिहार में लोजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि 10 नवंबर को चुनावी परिणाम आने के बाद नीतीश कुमार के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री युवा विरोध सोच वाले हैं, ये युवा को आगे नहीं आना देना चाहते हैं। वह हमेशा रोजगार को लेकर कहते हैं कि बिहार में समुद्र नहीं है जिसके कारण उद्योग नहीं लग सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये बताएं कि पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में समुद्र नहीं है, फिर वहाँ कैसे कई उद्योग और फैक्ट्री चल रही है जिसके हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार में बहाना खोज रहे हैं, वे अगले मुख्यमंत्री के रूप में नहीं रहेंगे और लोजपा की सरकार बनाएंगे। उन्होंने शराबबंदी को फेल बताते हुए कहा कि शराबबंदी के नाम पर युवकों को तस्कर बनाया जा रहा है। आज लाखों की संख्या में गरीब शराब मामलों में जेल में बंद हैं। बिहार की माताएं बहनें अपनों को तस्कर बनाते नहीं देखना चाहती हैं। बिहार के लोग रोजगार के अभाव में शराब तस्करी के तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने आलमनगर से लोजपा प्रत्याशी सुनीला देवी को वोट देकर जिताने की अपील लोगों से की। वहीं लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान कार्यक्रम को संबोधित से पूर्व अपने पिता दिवंगत रामविलास पासवान के तैलीय चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की, फिर सभा को संबोधित किया। मौके पर मुख्य रूप से आलमनगर के लोजपा प्रत्याशी सुनीला देवी, समाजसेवी मनोज यादव और अन्य लोग मौजूद रहे।